वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के रूप में हमको मिला है। नागपुर रीजन उसके लिए बधाई के पात्र है। और मैं जो कांग्रेस के विषय में है, यदि थोड़ा सा भी पानी है कांग्रेस में और भूपेश बघेल जी में, तो
उनका ये जीता जागता उदाहरण है कि जो भारत में निर्मित सबसे तेज गति की ट्रेन अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है, छत्तीसगढ़ को ये बड़ी सौगात है। और आज जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में अकेले 10,000 करोड़ रुपए से अधिक के विकास की विभिन्न परियोजनाएं भारतीय रेल चला रही है, निश्चित रूप से आने वाले समय में भारतीय रेल हमको का बोले हमने दे दिया था। आप लोग बंद हो जाएगा सर, नहीं उतर पाएंगे। ये एक बार बंद होने के बाद खुलता नहीं। कुछ ही समय में दुर्ग स्टेशन पहुंचने वाली है। यह गाड़ी यहाँ मात्र 5 मिनट रुकेगी, दरवाजे लेफ्ट साइड खोलेंगे। धन्यवाद। यात्रियों ध्यान दें, ट्रेन छत्तीसगढ़ के लिए, राजनांदगांव के लिए बड़ी उपलब्धि है वंदे भारत का स्टॉपेज मिलना।
और संतोष पांडे जी सांसद जी की सक्रिय भूमिका से जो स्टॉपेज नहीं था वो स्टॉपेज मिला, अरुण साहू जी ने प्रयास किया, तो आज ये छत्तीसगढ़ के लिए उपलब्धि, हमारी राजनांदगांव के लिए उपलब्धि, प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि ऐसे 130 किलोमीटर के रफ्तार वाली सुपर फास्ट ट्रेन का शुरुआत छत्तीसगढ़ से हो रही है। पूरे देश में कनेक्टिविटी और रफ्तार दोनों बढ़ाने का प्रयास चल रहा है और उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी की योजनाएं सफल हुई है। मैं प्रधानमंत्री जी को, रेलवे मंत्री को बधाई देना चाहता हूं, पूरे राजनांदगांव लोकसभा के, राजनांदगांव के और छत्तीसगढ़ वासियों की ओर से बड़ी सफलता मिली है, उसके लिए बधाई। लोगों का ये उत्साह बताता है कि वंदे भारत एक्सप्रेस की एक बड़ी सौगात छत्तीसगढ़ को प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने दी है। निश्चित रूप से बिलासपुर से नागपुर की दूरी अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस ये ट्रेन है, जो भारत में निर्मित है, भारत में निर्मित सबसे तेज गति की ये ट्रेन है। निश्चित रूप से ये छत्तीसगढ़ के लिए बड़ी सौगात है, लोगों को अच्छी सुविधा, ट्रेन की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए अश्वनी वैष्णव जी के नेतृत्व में लगातार काम हो रहा है। उसी का ये नतीजा है कि आज वंदे भारत एक्सप्रेस की ये सौगात हम सबके प्राप्त हुई है। आज अभी तो आप वंदे भारत के आगाज का ये जो भीड़ दिख रहा है, स्वागत का है, ये उसके उत्सव का कार्यक्रम है, फिर उस विषय पे हम बाद में बात कर लेंगे। राजनांदगांव की जनता की ताकत है, ये राजनांदगांव की जनता का और वो आवाज माननीय प्रधानमंत्री जी और अश्विनी वैष्णव तक गई और उन्होंने यहाँ ठहराव दिया। और मैं ये कहूंगा कि सम्माननीय वैष्णव जी यहाँ के राजा आकांक्षा पूरे हुई है, ये जनता की ताकत है, यहाँ सबका आशीर्वाद आ